नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार और आप देख रहे हैं X4 एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों आज हमारे पास है कॉक ब्रांड का पेंटा स्काई प्लस, आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमारे पास है ये डब, यानी दोस्तों नारियल, आप देख सकते हैं ये। और काफ़ी दोस्तों इसका वजन है, तो मैं क्या करूँगा, जो आप दोस्तों थंबनेल में देखें, क्या थंबनेल में देखें कि स्काई सूट के ऊपर ये डब है, तो मैं उसी चीज़ को करूँगा। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस तरह से मैं लगा दूँगा स्काई सूट को और उसके ऊपर दोस्तों डब रहे। देखना हमें यह है कि क्या इस स्काई सूट इस डब को फोर पाएगा, यानी दोस्तों फार पाएगा कि नहीं, जो भी होगा आपके सामने होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे जलाते हैं और देखते हैं डब का क्या हल करता है स्काई सूट। तो आपने देखा दोस्तों, स्काई सूट में पावर कम होने की वजह से या दोस्तों इसका वजन काफ़ी होने के कारण ये फटा नहीं है। अब फटेगा क्यों दोस्तों, काफ़ी इसका वजन होता है। और लेकिन इतना है दोस्तों, स्काई सूट ने क्या किया, इसे स्काई सूट ने दोस्तों इसे काफ़ी ऊंचा उड़ा दिया था। तकरीबन दोस्तों इतना हाइट तक ये ज़मीन से इतना हाइट तक उड़ा है, उसके बाद दोस्तों नीचे गिरा है। तो फ्लेम निकला है वो काफ़ी दोस्तों मज़ा आया देखने में। लेकिन मैं दोस्तों इस नारियल को ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं इसे दोस्तों फोड़ के ही रहूँगा। तो फोड़ने के लिए मैं यूज करूँगा अपना VIP सुतली बॉम, यानी दोस्तों ये काफ़ी बड़े वाला बॉम। तो मैं इस चीज़ को इसे फोड़ के ही रहूँगा, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूँगा। तो चलिए लगाते हैं इस सुतली बॉम को और फिर देखते हैं क्या होता है। अब चलिए इस चीज़ को जलाते हैं एंड 3, 2, 1 फायर। तो आपने देखा दोस्तों, स्काई सूट हमारा फेल हो चुका था, लेकिन सुतली बॉम में इसे इसके ऊपर खच्चे उड़ा दिए हैं। इसका टुकड़ा भी दोस्तों हमें नहीं मिल पाया है, कुछ टुकड़े मिले हैं जो कि दोस्तों मैंने काफ़ी दूर से ढूंढ ढूंढ कर आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। बस 3 टुकड़े मिले हैं और बाकी का टुकड़ा दोस्तों हमें मिला ही नहीं, कहाँ गया पता ही नहीं चला। तो आप लोगों को वीडियो में थोड़ा सा ये मज़ा आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस पास वाली घंटी बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों ठीक इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।